दो तीन आंगुल का गैप रखूंगा, उसके बाद इधर से हम लोग जांच करेंगे। देख लीजिए ऐसा, ठीक है, तीन आंगुल का गैप रखूंगा, तीन आंगुल का, ठीक है जी, ठीक है, और इधर से हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए देखते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। चलिए तो हम लोग आज स्टीयरिंग इस्तेमाल करके हम लोग जांच करेंगे जो कैसे हम लोग लेफ्ट से जजमेंट करूंगा। तो मैं डायने की तरफ जाऊंगा, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं रोड क्रॉस कर पाऊं, क्योंकि अभी बहुत गाड़ी है। अभी देख लीजिए, मैं थोड़ा सा गैप रखूंगा, ठीक है, स्टीयरिंग से थोड़ा गैप रखूंगा। देख लीजिए, मैं ऐसा, देख लीजिए उसका बाहर चला गया ऑटो, मैं वर्टेक कर लिया, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सामने, एक सामने कुछ नहीं है। अच्छा सोचिए, मैंने इधर से जा रहा हूँ, ठीक है, आज वो आदमी जा रहा है, मैं थोड़ा डायने की तरफ ले लूंगा, उसका बाहर चला गया, मैं क्रॉस कर गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग गाड़ी चलाएंगे स्टीयरिंग इस्तेमाल करके, ठीक है, और भी दिखा दूंगा आप लोग को। चलिए सामने बहुत सारी गाड़ी मिलेगा, तो देख लीजिए सामने एक मोटर वैन है, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगा, ऐसा गैप रख के चलूंगा, ठीक है, ऐसा गैप रख के चलूंगा, स्टीयरिंग से तीन उंगली, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग उसको ओवरटेक करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आ रहा है, वक्त मिलने के बाद कोई पोजीशन मिलेगा, उसके बाद हम लोग ओवरटेक करेंगे। देख लीजिए अभी इधर से हम लोग ओवरटेक कर लिया। देखिए जो इधर में होता है ड्राइविंग सीट होता है, ठीक है, तो इधर में हम लोग का आंख का एंगल इधर से जाता है, थोड़ा इधर ले ले। हाँ अभी देखिए ये जो वाला, मैं सोचिए इधर से मैंने एंगल दे रहा हूँ और देख रहा हूँ, जो इधर से हमारा आंख का एंगल जाता है, ठीक है, तो आंख का एंगल इधर से जाता है, तो देख लीजिए मिडिल लेवल पोर्शन है वो वाला, ये ही है, यही है मिडिल पोर्शन, ठीक है, मिडिल पोर्शन यही है, और इधर से हम लोग देखता है, तो इधर हम लोग का आंख का पोर्शन होता है। तो हम लोग जब इधर से देखते हैं, तो लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए उस होता है लेफ्ट साइड जजमेंट, ठीक है। तो मैं चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जो लेफ्ट साइड जजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं। हाँ तो अभी मैंने आज ऑल्टो चला रहा हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट साइड जजमेंट में जो दिखाया ये जो वाला मिडिल पार्ट डैशबोर्ड का, एक डैशबोर्ड से मिडिल पार्ट से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा देखेंगे तो जो मिडिल पार्ट जो होता है उसका अंदर रहेगा कोई चीज, तो मैं नहीं जा सकता, और उसके बाहर चला गया तो मैंने सही से चल पाऊंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हर टाइम मैं असिस्ट करूंगा जो आप लोग प्लीज मिडिल साइड जजमेंट करके आप लोग लेफ्ट साइड जजमेंट कीजिए, और मिडिल साइड इस्तेमाल करके आप लोग लेफ्ट साइड जजमेंट कीजिए, ठीक है। और हम लोग जब राइट साइड जजमेंट करेंगे तो हम लोग पूरा से पूरा स्टीयरिंग का दाहिने तरफ से हम लोग जजमेंट करेंगे, ठीक है। देख लीजिए मैं जो जा रहा हूँ पूरा से पूरा दाहिने की तरफ, एक पूरा सिंपल का फंडा है, ठीक है, पूरा से पूरा जो स्टीयरिंग का जो एंड है दाहिने तरफ, इसका पूरा सीधा आप लोग देखेंगे फ्रंट में,
ठीक है, और बाहने जो तरफ है वो आप लोग सिर्फ डैशबोर्ड का मिडिल आप लोग इस्तेमाल करके लेफ्ट साइड जजमेंट करेंगे। पूरा डैशबोर्ड का मिडिल होगा, सीधा चला जाएगा। मैं तो पहले वीडियो में देख दिया जो कैसे हमारा आंख का एंगल पूरा से पूरा बाएं की तरफ जाता है, तो आप लोग पूरा से पूरा मिडिल से हो जाए चला जाएगा और एंड तक चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग लेफ्ट साइड जजमेंट करेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आराम से गाड़ी चला सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक दे देना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।